नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज कुछ खास नहीं, पर ये मेरा छत है जहाँ पे मैं अपना किचन गार्डन वगैरह करती हूँ एक साइड में, और दूसरे साइड देखिए इस तरह से ख़राब हो रखा है। तो बारिश की वजह से वो ग्रीन कलर का जो है पानी जम जाता है, और ग्रीन कलर का जो है एक बेड जैसे छा जाता है पूरे छत में। और अब कुछ दिनों से धूप निकली थी तो वो जो हरा रंग का जो भी था वो सूख के ब्लैक हो के एकदम निकल रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे नारियल हुए हैं जो कि हम आराम से छत से हम तोड़ सकते हैं। तो आज है कोकोनट हार्वेस्टिंग वाला डे, क्योंकि बहुत दिन से हम कोकोनट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि कोकोनट अगर नहीं तोड़ते हैं तो ये जो है नीचे गिर जाता है सूख के, और हमारा ये जो बिल्डिंग है ये एकदम रोड साइड पे है, तो अगर कोकोनट गिरता है तो जो रोड पे जो गाड़ी जाती है ना उनको भी खतरा हो सकता है, उनके ऊपर भी गिर सकता है। तो ये कोकोनट हार्वेस्टिंग जो था बहुत ही ज़रूरी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ये दोनों आए हैं यहाँ पे। अब मेरे हस्बैंड जो है सबसे पहले इसके लीफ को इस तरह से सेपरेट करेंगे, क्योंकि लीफ की वजह से हम कोकोनट हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो लीफ जो है ये मैं यूज़ करूँगी झाड़ू बनाने के लिए। तो कोकोनट का जो लीफ से हम कोकोनट का झाड़ू भी तैयार कर सकते हैं, और इसी झाड़ू को इस्तेमाल करके मैं ये पूरा छत क्लीन करने का सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए ये झाड़ू। मेरे पास ऑलरेडी एक झाड़ू है पर उससे जो है ये डर्ट जो है साफ़ नहीं होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से एक झाड़ू तैयार कर लूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू की भी ज़रूरत थी। और ये देखिए कोकोनट भी हार्वेस्ट हो रहे हैं, और एक टेंडर कोकोनट जो है वो मेरे हस्बैंड ने तोड़ के पिया भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिन बाद हम इस साइड वाले छत पर आए। नॉर्मली मैं दूसरे साइड पर चली जाती हूँ लेकिन इस साइड में मैं बहुत कम आती हूँ। तो अब हम इधर आ गए हैं, अब जैसे ये सफाई हो जाएगी तो फिर दोनों साइड जो है हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा लीफ को जो है तोड़ देंगे, दो तीन लीफ को इन्होंने काट लिया था और फिर इन्होंने कोकोनट को हार्वेस्ट कर लिया था। तो ज़्यादा वीडियो मैं नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरी बेटी इधर उधर दौड़ रही थी तो मैं उनके पीछे जा रही थी, और रिकॉर्डिंग और बेटी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो गोदी में नहीं आ रही थी। उनको जो है नीचे उतर के उनको जो है चलना था, दौड़ना था। और आप देख सकते हैं इसका जो है एक साइड में ही पिचिंग बना हुआ है, बाकी का जो तीन साइड है वहाँ पे एकदम प्लेन है, पिचिंग नहीं बना हुआ है। तो बच्चों को यूजुअली जो है हम यहाँ पे बहुत कम आते हैं, क्योंकि अगर पैर फिसल गया तो सीधा आप नीचे गिरोगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो कोकोनट हार्वेस्टिंग में बहुत मज़ा आता है। यदि आपके पास बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं तो सारे कोकोनट को आप हार्वेस्ट करके आप उसका तेल भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे कई मिल है जो कि कोकोनट तेल बनाती है डायरेक्ट। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं वो वाला प्रोसेस भी आप सबको दिखाना चाहूँगी। तो ये देखिए एक बंच कोकोनट हमने निकाल लिया है, पत्ते भी निकाल लिए हैं, और एक बंच है हम उसे भी निकाल लेंगे और फिर हम नीचे चले जाएंगे वापस अपने घर। ये देखिए एक और बंच निकाल रहे हैं, और आप देख रहे हैं मैं अपनी बेटी के पीछे जा रही हूँ क्योंकि वो इधर उधर भाग रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आज का ये जो छोटा सा वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।